पहले आप गुरु जी से पूछ रहा हूँ, आज शायद को यहाँ पे भी आज इसी रेट पे मिलेगी। लोहे के गेट से आप अंदर जाओ। बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला? इंडिया सर, मेड इन इंडिया लिखा तो है, फॉर इंडिया ओनली। कितना देना है इसका रेट? अब तक कितने बेच चुके? बहुत सारे दिए सर। साढ़े चौदह बताया था ना? नहीं भाई साहब, मैंने नहीं बताया। लोहे गेट के अंदर घुस जाओ, ऐसे जाओ ऊपर जैक्सन पॉल बिल्डिंग। दिल्ली में लग रही है हर सांस की कीमत। कम नहीं मिलेंगे, छह ही मिलेंगे सर, छह ही लगते हैं एक पेशेंट को, छह ही लगते। लेकिन इमरजेंसी तो लगवा चुके ना सर, मिलेंगे ही छह। कहाँ मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ये बताओ। आने बंद हो गया है? कैमरे में कैद सांसों का सौदागर। हमें एक एक मिनट के लिए लेट हो रहा है, हमें एक मिनट के लिए हमारे वहाँ से चार हमें पता था किसके लिए ले रहे हैं उसकी अगर जान चली जाए। अरे तो हमें बता देते कैसे आना, हमें क्या पता कैसे आना है भाई साहब, हमें आप बता देते कैसे जाना है। हम तो साथ में थे, साथ में टैक्सी की वहाँ से आ गए थे। लोग दे ही नहीं रहे, अगर किसी के पास है भी दे नहीं रहे, डरते मैं आप ही लेने आए पता चला छुपे कैमरे से वीडियो बना ले महंगा दे रहे हैं, जाके शिकायत होगी वे जेल में पाएंगे एक मिनट में। सही बात, इसलिए दे ही नहीं रहे किसी को भी अनजान को। हमें नीरज भाई ने भेजा गीता कॉलोनी से, जो ऊपर हमारे फ्लोर पर चार दुकान है भैया, मेरे सामने दुकान है, मेरे रिश्तेदार को चाहिए था, उन्होंने नहीं मिला। सर पहले मेरी बात सुन लो, 25,000 रुपये का यही है, आपको सुटेबल हो तभी आइएगा इतनी दूर मेरे पास, क्योंकि मैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं उसमें, वो तो बात भाई साहब ने पहले ही कह दी थी। मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक इंजेक्शन की कौन लगा रहा है बोली? अरे मैं पूछ रहा हूँ 100 mg वाला ना, और कौन सा सिप्ला वाला, कौन सा वाला है? जी फेफड़े में वायरस, बाजार में जिंदगी बचाने का मनी ट्रेड। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कहाँ पर आ जाऊँ मैं, आप बताइए। दिल्ली में त्राहिमाम, सांसों की मंडी में कीमत बेलगा। सर वही जो मैंने बताया था, दिल्ली में हर सांस की कीमत 25,000 रुपए, बोलो खरीदोगे? हेलो भाई साहब, कोई आया नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कृष्णा नगर। तो मैं पहचानूं कैसे उसे, उसका तो नंबर भी नहीं मेरे पास। मैंने उसको आपका नंबर दे दिया, आपको किसी को पहुँच रहा होगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके ओके। सर पेमेंट लिया है ना? जी बिल्कुल, आप भेज दो। तो भाई साहब बहुत अर्जेंट है, हमें जल्दी है थोड़ी सी, आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, ओके। ऑपरेशन वायरस के जरिए हम करने जा रहे हैं सबसे बड़ा खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की हर एक सांस की कीमत लग रही है, जो 25,000 से शुरू हो रही है और लाखों तक पहुंच रही है। कोरोना काल की इस आपदा को दिल्ली में धंधेबाजों का गैंग अफसर में तब्दील कर रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे का दिल्ली में बाकायदा पूरा रैकेट तैयार है, हेडक्वार्टर से एड्रेस मिलता है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी नकद कीमत चुकाने के बाद डिलीवरी होती है। कैसे चल रहा है ये पूरा नेटवर्क आपको दिखाते हैं ऑपरेशन वायरस के जरिए। ये तो उसमें रखा जाता है ना फ्रिज में? सर ये पाउडर वाला होता है, लिक्विड वाला नहीं, इसमें पानी मिला के इंजेक्शन होता है। ये जेन्युइन है? बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला? इंडिया सर, मेड इन इंडिया लिखा तो है, फॉर इंडिया ओनली।
ये कहाँ मिलूँ मैं, बताओ बोलो भर दो फटाफट। मैं आपको गाड़ी में नहीं बैठूंगा, कितना देना है इसका? डेढ़ डेढ़। कोरोना काल में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों के फेफड़े से वायरस का संक्रमण कम करने में कारगर साबित हो रहा है, उस इंजेक्शन की कीमत दिल्ली में लाखों में लग रही है। सर पहले मेरी बात सुन लो, 25,000 रुपए का यही है, आप कोई सुटेबल हो तभी आइएगा इतनी दूर मेरे पास, क्योंकि मैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं उसमें, वो तो बात भाई साहब ने पहले ही कह दी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताओ कृष्ण नगर मेट्रो स्टेशन पे आप मिलोगे? आज जो बंदा भेज दूंगा, आप बंदा भेज दोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके मैं वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ। जान बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिल्ली में भारी किल्लत है, और इसी किल्लत को दिल्ली में धंधेबाजों का एक सुपर नेटवर्क घुराने में लगा है। ये बताओ इंजेक्शन ये कौन सा वाला है? ये जो आपको फोटो भेजा, समझा नहीं मेरी बात, लिखा हुआ है आप जब तक पहुँचेगा फ्रीज में सर, वही जो मैंने बताया था 14.5 बताया ना? नहीं भाई साहब मैंने नहीं बताया, आप यकीन मानिएगा मैं आपके सामने अभी मेरा मैं यार क्या बता रहा हूं, आइस पैक लेकर आता ना मैं यार, बिना आइस पैक के तो खराब हो जाएगा जाते आते, प्रिंट नहीं होता इस पे, एमआरपी नहीं होती इस पे एमआरपी। ये कहां का है ये भाई? दिल्ली में सांसों का सौदा कर रहे आज ऐसे ही धंधेबाजों के नेटवर्क को न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम रुमानुल्लाह खान और वीरेंद्र वशिष्ठ अगले कुछ मिनटों में आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। वो नेटवर्क जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपदा के वक्त लाखों करोड़ों का अवसर तलाश रहा है। कितना देना है इसका? डेढ़ कम नहीं मिलेंगे, छह ही मिलेंगे सर, छह ही लगते हैं एक क्वेश्चन को, छह ही लगते, लेकिन इमरजेंसी तो लगवा चुके ना सर, मिलेंगे ही छह ही मिलेंगे सर, 35,000 होता है ना, मेरे पास पूरा कैश नहीं है, मैं दो मिनट में निकलवा के ला रहा हूँ एटीएम से सर, आप मेरे को कॉल करो। ठीक है, हेलमेट के पीछे छिपा ये चेहरा ठीक ठीक दिख तो नहीं रहा, लेकिन पहले इसका परिचय जान लीजिए, क्योंकि न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में कैद ये चेहरा दिल्ली में सांसों का सौदा करने वाला पहला किरदार है। दिल्ली के मेडिकल शॉप्स में भले ही आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिले, लेकिन आप जेब में लाखों का कैश लेकर निकलेंगे तो इंजेक्शन भी मिलेगा, और इंजेक्शन का अलग अलग ऑप्शन भी। नहीं आप बिल्कुल ओके ले जाइए, बिल्कुल ओके है, सब जगह जा रहा है, ये समझ लीजिए किसी का रखा हुआ दे रहा हूँ, कोई वाला ना रेमडेसिविर, हाँ रेमडेसिविर है लिखा हुआ था, रेमडेसिविर आपने पढ़ा नहीं आपने, मैंने कहा देखा था डॉक्टर साहब देख लेंगे, रेमडेसिविर है, मैंने आपको फोटो भेजा तो था किसी का, तो फोटो भेजा था मैंने आपको, और ज़्यादा चाहिए होंगे तो कहाँ से मिलेंगे भाई जी? आप हॉस्पिटल से बात करें तो हॉस्पिटल से ड्राइव कीजिए, हॉस्पिटल वाले मंगा के दे रहे हैं, थोड़ा महंगा देंगे लेकिन बना के देंगे, हॉस्पिटल वाले देंगे आपको। कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं सर? कितने का? 19,000 तो बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे सर, आप जो लीजिए मेरे, मैं क्या बताऊँगा आपसे यार, सही लगा लो यार, किसी की जिंदगी और मौत का मामला भाई साहब, आप यकीन मानिएगा मैं अगर 500,000 रुपये से ज़्यादा कहूँ तो अभी भी और बढ़ेंगे सर, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं पता सर, अब ये मेरे पास आखिरी जो है, मैं इसके बाद मैं ढूंढना ही नहीं किसी को, इतना महंगा हो कैसे रहा है, मैं इसके बाद ढूंढना ही नहीं किसी को सर जी, मेरे आप यकीन मानिए, इन्होंने भाई ने ज़बरदस्ती की कि भाई मंगा दो प्लीज़, तो है पर इतना महंगा हो क्यों रहा है, जब इसमें जो प्रिंट बढ़ा दिया 3,000-3,500 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन वहाँ फोन मिला रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है, कहाँ जा रहा है स्टॉक पता नहीं, कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है स्टॉक भाई, फोन में उठा रहा है, हमने तो मार्केट वाले जो बंदे हैं ना हमारे, जिनसे हम माल लेते हैं, मेरा रेगुलर मार्केट का काम है, मैं सप्लाई करता हूँ, ये तो किसी के पास आया हुआ था दुकानदार के पास, तो एक आध ले लिया। सुना आपने, दिल्ली में जरूरतमंद लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना तड़प रहे हैं,
और जिंदगी का सौदा करने वाले धंधेबाज देसी से लेकर विदेशी इंजेक्शन लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। खुफिया कैमरों में कैद ये सांसों का सौदा करने वाला दूसरा किरदार है। लाखों की कीमत लगाकर लोगों की जिंदगी का सौदा करने वाले ये लोग पुलिस के ठीक नाक के नीचे अपना धंधा चला रहे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है, न ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अधिकारियों का, जिन पर देश भर में दवाओं की ऐसी कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी है। न्यूज नेशन की अंडर कवर टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की, ताकि दिल्ली में आपदा के वक्त चल रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस गोरख धंधे का पूरा सच लोगों के सामने आ सके। इन्वेस्टिगेशन में इंजेक्शन की कालाबाजारी के पूरे नेटवर्क को हमारी टीम ने कैसे परत दर परत उधेड़ा, दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ऑपरेशन वायरस के जरिए कुछ और बड़े खुलासे होंगे, कुछ और तस्वीरों का पर्दाफाश होगा। ब्रेक के बाद भी जारी है ऑपरेशन वायरस, आप बने रहिए हमारे साथ।